दोस्तों वैसे तो आपने बहुत बड़े बड़े जो है एरोप्लेन जो है देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में जो हूँ आज मैं बताने जा रहा हूँ उन जो है अजीबोगरीब जो है एरोप्लेन के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा बड़े हैं और जिनकी जो है आप देख करके जो हैरान हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से जो है एरोप्लेन है जो कि बहुत बड़े जो है वर्ल्ड में है, तो उनकी जो है डिटेल आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए कि वो कौन कौन से जो है बिग एरोप्लेन है जो कि दुनिया में इजाद किए गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं वो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो इससे पहले बता दूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लीजिएगा। बटन का फायदा दोस्तों ये होता है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो डेली अपलोड करता हूँ वो बाय डिफॉल्ट आपको आपका मोबाइल में, पीसी में, लैपटॉप में, जिसमें भी यूट्यूब देखते हैं उसके होम पेज पर नजर आ जाएगी और आपको उसका काफी फायदा होगा। और जितने मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर हैं सबको मैं जो हूँ अगेन जो है सच्चे दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग की वजह से ही चैनल इतना ग्रो हो चुका है, आप लोग इतना डेली कमेंट करते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि वीडियो की भावनाओं में आप इतना खो जाते हैं कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों सीख लेते हैं वो कौन कौन से जो है सात जो है, सबसे वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने सात सेलेक्ट किए हैं जो कि दुनिया में सबसे बड़े हैं और जो है जिनको आप जो है देख भी सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? सातवें नंबर की अगर मैं बात करूं तो सातवें नंबर पर आपका आता है बोइंग, बोइंग B-52। ठीक है, ये बहुत बड़ा है और ये जो है यूएस के द्वारा जो है इजाद किया गया है। ये जो है हमलावर होता है, ये मतलब एक तरीके से लड़ाई के लिए ही जो है बनाया गया है, फाइटर होता है, ये लड़ाई के लिए यूज होता है और यूएस के द्वारा ये जो बनाया गया है। ठीक है, बाय यूएस। आप इसे गूगल भी कर सकते हैं, गूगल पे इसे देख सकते हैं इसकी इमेजेस आप, और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर सिक्स नंबर की अगर बात करूं तो सिक्स नंबर पर आपका आता है लॉकहीड। ये भी बहुत बड़ा जो है प्लेन है और इसमें जो है लॉकहीड C5 गैलेक्सी, इसको बोलते हैं लॉकहीड C5 गैलेक्सी। और ये एक तरीके से देखिएगा जो ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, जो लड़ाई में ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं उनको लाने ले जाने के लिए यूज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है ये, ट्रांसपोर्ट टेकर। ठीक है, तो जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं जो लड़ाई में यूज होते हैं वो सब जो है इस लॉकहीड C5 गैलेक्सी के द्वारा ही जो है ले जाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो बोइंग होता है इसमें देखिएगा 8 इंजन जो है होते हैं इसमें, चलिएगा। अब जो है हम बात कर लेते हैं 5 नंबर की, 5 नंबर पर आपका आता है एंटोनोव। एंटोनोव N-124, इन्हें आप जो है गूगल भी कर सकते हैं डाल करके। और ये जो है रशिया के द्वारा बनाया गया है और ये जो है एक तरीके से कार्गो के लिए यूज होता है, कार्गो के जो आइटम होते हैं वो लाने ले जाने के लिए जो है यूज होता है। ठीक है, और ये जो है 125 टन तक जो है ले जा सकता है और 350 पैसेंजर को ले जा सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, 350 पैसेंजर और 150 टन जो है ये सामान ले जा सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो है जो आपका आता है फोर्थ नंबर पर, फोर्थ नंबर पर आपका आता है ट्यूपो लीव, TU-160। ठीक है, और ये जो है 300 टन तक जो है सामान ले जा सकता है, ये वो 150 टन ले जा सकता था, ये 300 टन सामान ले जा सकता है। ठीक है, और ये जो है इसका वेट भी जो है 40 टन के बराबर जो है इसका वेट भी होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देखिएगा जो जो आपका तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है आपका बोइंग सेवन फोर एट।
ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है अभी तक का नापा गया है, सबसे बड़ा ये जो है लार्जेस्ट एरोप्लेन में जो है माना गया है इसको लार्जेस्ट, ठीक है। और ये जो है कार्गो के लिए यूज होता है, ठीक है, कार्गो का सामान जो है ले जाने के लिए यूज होता है। अब बात कर लेते दूसरे नंबर पर जो आता है आपका एयरबस, A380, ये 500 पैसेंजर जो है ले जा सकता है, ठीक है, और 300 टन तक जो है वेट ये ले जा सकता है, ठीक है। तो ये दूसरा दुनिया का सबसे जो है बड़े में आता है, ठीक है। अब बात कर लेते पहले नंबर पर जो आता है वो आता है आपका एंटोनिम, AN-225। इन्हें आप गूगल भी कर सकते हैं डाल के, जैसे जैसे आप देख रहे हैं गूगल पे डाल के आप जो है चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है 280 टन जो है ले जा सकता है और ये बहुत बड़ा जो होता है, ठीक है। तो बोइंग जो है मैं बात कर रहा हूँ 748, ये लार्जेस्ट जो है, और एयरबस जो है आपका जैसे कि बहुत बड़े जो है पैसेंजर्स होते हैं ज्यादा, उन्हें ले जाने के लिए यूज होता है। तो ये देखिएगा सात मैंने आपको बता दिए, आप इनमें से किसी भी की जानकारी लेनी है तो मुझे जो है पूछ सकते हैं। बोइंग हो गया, लॉकहीड C-5 गैलेक्सी, एंटोनोव, AN-124, ट्यूपोलिव TV-160, बोइंग 748 ये लार्जेस्ट है, एयरबस हो गया आपका A380, और इसके अलावा देखिएगा आपका एंटोनिम AN-225 ये हो गया, ठीक है। तो साथ है ना, आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल पर डाल के इनकी इमेजेस भी जो है आप जो है चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी इससे रिलेटेड या और कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है आपकी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछेगा, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं और आपकी जो भी क्वेश्चन क्यूरी हो उसे मैं सॉल्व कर सकूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतना डेली कमेंट करते हैं, इतना शेयर करते रहते हैं वीडियोस। तो फ्यूचर में भी यही आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे और जो भी आपकी मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी या जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व होती रहेगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने का फ़ायदा मैं बता ही चुका हूँ आपको कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो डेली अपलोड करता हूँ वो बाय डिफॉल्ट आपको आपके मोबाइल में, पीसी में, लैपटॉप में, जिसमें भी यूट्यूब देखते हैं उसके होम पेज पर नज़र आ जाएगी और आपको उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों, प्लीज़ आप ऐसा करेंगे। और जितने मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं सबको अगेन जो है मैं सच्चे दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग की वजह से ही चैनल इतना ग्रो हो चुका है। आप लोग इतना डेली कमेंट करते हैं, इतना शेयर करते रहते हैं वीडियोस। तो फ्यूचर में भी यही आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे और जो भी आपकी मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी या जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व होती रहेगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है आप लोग इतना डेली कमेंट करते हैं, इतना शेयर करते रहते हैं वीडियोज़। आप लोगों की क्वेश्चनिंग की वजह से ही मैं बहुत सी चीज़ें सीख पाया हूँ, मुझे नहीं पता थी, लेकिन आप लोग इतना क्वेश्चन करते हैं, इतना मुझसे पूछते रहते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों की क्वेश्चनिंग की वजह से मैं बहुत सी चीज़ें सीख पाया हूँ और इन चीज़ों को सीख करके आप लोगों को भी वही चीज़ें जो है मैं बता देता हूँ। तो इसलिए जो भी आपकी क्वेश्चनिंग हुआ करे आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड जो है वीडियो बना सकूं और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी या जॉब से रिलेटेड उसे मैं सॉल्व कर सकूं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐसा करेंगे, मैं यही आशा करता हूँ इन फ्यूचर में भी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ऐसे ही गाइड करता रहूँगा जिससे कि आप लोग ये जो है आप लोगों को इस तरीके की हेल्प मिलती रहेगी और जो भी आपके क्वेश्चन क्यूरी होगी वो सॉल्व होती रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको और किन किन स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ और आपकी जो भी क्वेश्चन क्यूरी हो उसे मैं सॉल्व कर सकूँ। तो प्लीज़ आप आई होप आप ऐसा करेंगे और एक दिन में अगर आपके रिप्लाई ना मिला करें प्लीज़ उसके लिए पैशन रखा करें। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हो एक दिन में ही दे दूँ, लेकिन फिर भी एक दो दिन डिले हो जाया करें तो उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया ही हुआ है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में यही आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।